नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। हमारे इस खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे निकाय चुनाव के रण में कांग्रेस के घोषणा पत्र की और बीजेपी के दृष्टि पत्र की, जिसका ऐलान पहले किया गया। बीजेपी ने जहां मंगलवार को निकाय चुनाव को लेकर के अपना घोषणा पत्र दृष्टि पत्र के नाम से जारी किया था, वहीं कांग्रेस ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अपना घोषणा पत्र जारी किया। सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में जारी किए गए घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जनता से कई वादे किए। कांग्रेस ने खासतौर पर जमीनों के पट्टे जारी करने और निकायों की भूमि नीलामी को लेकर सरल करने का भरोसा लोगों को दिया है। साथ ही नीलामी राशि को किस्तों में जमा कराने की भी बात कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कही है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जारी होने के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि निकाय चुनाव के बाद सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान को फिर से शुरू करेंगी और साथ ही जमीनों के पट्टे जारी करने की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता के साथ शुरू किया जाएगा। वहीं मंगलवार को निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से जारी दृष्टि पत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को टॉप में शामिल किया गया और इसके अलावा सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, हर निकाय में सुलभ और सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाना, कच्ची बस्तियों का विकास करना, निकायों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और वाईफाई जोन बनाने जैसे 44 मुद्दों को इसमें शामिल किया गया। आज की हमारी बड़ी बहस में इसी मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जो घोषणा पत्र अलग अलग तरीके से जारी किए गए हैं उनको किस तरह से पूरा किया जाएगा, किसकी प्राथमिकता में क्या है, तमाम बातों को लेकर बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी बहस का सिलसिला। तो आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले कुछ बयान सुनवाते हैं कि आखिरकार सूबे में किस तरह से कांग्रेस बीजेपी के नेता निकाय चुनाव को लेकर के बयान दे रहे हैं। इतने कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का अनुभव है आदरणीय बात से ही किस प्रकार स्थानीय निकायों के माध्यम से जितने भी शहर है राजस्थान के अंदर उनका उनके पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या, सीवरेज की समस्याएँ अलग तरह की होती हैं और उसी रूप में आज तक काम करते आए। जब जब शासन कांग्रेस रहा, अगर आप विचार उठाकर देखेंगे तो तभी ज़्यादा काम हुए, चाहे कच्ची बच्चियों के नियमन का काम हो, अनुभव के हिसाब से काम किए। और बीजेपी शासन जब जब रहे हैं तब तक बर्बादी हुई है, सड़कें उधड़ी पड़ी है, कोई परवाह नहीं करने वाला, सिविल सिस्टम में लोग मारे जा रहे हैं, आप खुद देख रहे कितनी खबरें आती है, पानी की समस्या अलग रहती है, कच्ची बच्चों का नियमन तो करना कभी सिखाई नहीं उन्होंने, मुश्किल ही द्वार किया होगा मुश्किल से। तो आज समय आ गया कि जिस प्रकार सरकार बनाई हमारी जनता ने, हम जनता से आह्वान करना चाहेंगे कि हमारे मौके पर जब कांग्रेस वादा करने जा रही है मैनिफेस्टो के माध्यम से, जनता हमें भरपूर बहुमतें, भारी बहुमतें जिताएं और सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जल्दी हम लोग जो पहले प्रोग्राम चलाए थे जिसकी लोगों ने अप्रिशिएट किया, प्रशासन गांव की ओर और प्रशासन शहरों की ओर, उसी रूप में पहले की तरह ही सरकार वहाँ पर प्रशासन शहरों की ओर प्रोग्राम चलाएगी और जो पट्टे मिलने थे पिछली बार 2013 के अंदर बहुत अच्छा टेम्प हुआ था, बाद में सरकार चली गई, उसी रूप में वापस हम चाहेंगे कच्ची बच्चों के भी और अन्य लोगों के भी जो बर्तों से बैठे हुए हैं, पट्टे मिल नहीं पाए थे, उनको पट्टे देने का काम ऐसा किया था पहले भी, अब भी हम लोग वापस काम शुरू करें। बजरी का विषय हम सबके जानकारी में है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों के कारण प्रभावित हुआ था और उसके छोटे ब्लॉक्स बनाकर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय शुरू हो गया था, लेकिन प्रमोद जैन भाया और खुद मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब दें कि आपके जो मंत्रिमंडल में झगड़े चल रहे हैं उन झगड़ों के का प्रभाव आप जनता के ऊपर क्यों डाल रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले खबर पढ़ी थी कि खातिरदारी जमीनों को लेकर के ऑक्शन करने की बात है, ये 6 महीने के निर्णयों की परीक्षण की आड़ में आप पूरी तरह से दो मंत्रियों के झगड़े इसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। तो चलिए आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों से हम एक बार रूबरू कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज के महत्वपूर्ण सवाल आखिर क्या है, उन पर एक निगाह डाल लेते हैं कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के दावे हैं, इन दावों में आखिरकार कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, कैसे एक दूसरे पर ये दावे भारी पड़ेंगे, ये तमाम सवाल हैं। क्या निकाय चुनाव के बाद जनता की उम्मीदें जो है वो पूरी होंगी, और चूंकि ये जो मौका इस बार का है जब बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र निकाय चुनाव को लेकर के जारी किया, कांग्रेस ने भी जारी किया, दोनों के घोषणा पत्र
कैसे अलग हैं एक दूसरे से, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कांग्रेस बीजेपी के नेताओं से। साथ ही साथ सवाल ये भी कि आखिरकार क्या ये जो घोषणा पत्र है वो जनता पर किसी तरह की छाप छोड़ पाएंगे, क्या इन घोषणा पत्रों में दृष्टि पत्रों को लेकर के इन पर भरोसा जनता कर पाएंगे, ये आज के महत्वपूर्ण सवाल। और इसी के साथ ही चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हम आपको आज के हमारे जो मेहमान इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं उनसे परिचय करवा दूं। हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से हमारे आज के मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अरुण पुरोहित साहब हैं कांग्रेस के विचारक के तौर पर हमारे साथ, वरुण पुरोहित जी जुड़ेंगे जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ डॉक्टर अशोक सिंह शेखावत साहब हैं बीजेपी के नेता हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर वरुण पुरोहित साहब, आप ही से मैं शुरू करना चाहूँगा क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है। आपको क्या लगता है, विचारक के तौर पर कांग्रेस पार्टी को आपने देखा है, क्या लगता है कि ये घोषणा पत्र कैसे अलग है? जी, मैं जो शहरी निकाय होते हैं, शहर होते हैं, उनके डेवलपमेंट उसको तीन भाग में विभाजित करता हूँ, डेवलपमेंट, प्रॉब्लम्स और जो ये मेंटेनेंस। तो अगर हम मेंटेनेंस की बात करेंगे तो सारी पार्टीज उसको एड्रेस करती हैं, हम रोड्स को मेंटेन करेंगे, लाइट्स को मेंटेन करेंगे, हम पार्क्स को मेंटेन करेंगे, कब्रिस्तान को मेंटेन करेंगे, ये सब तो उनके भी मिलेगा आपको, दूसरी पार्टी कांग्रेस सब में मिलेगा। अब डेवलपमेंट जो होता है वो नई कॉलोनीज जो बसती हैं उस इलाके में, नई रोड्स कैसे बनेगी, नई सीवर लाइंस कैसे बनेंगी, उसके लिए बजट चाहिए होता है। तो इकोनॉमिक उस पे प्रश्न पे किसने एड्रेस किया, किसने नहीं, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इनके घोषणा पत्र में मेंटेनेंस की करीब करीब बातें हैं लेकिन इकोनॉमिक एड्रेस नहीं किया इन्होंने, इकोनॉमी कैसे सही होगी निकायों की। और कांग्रेस के घोषणा पत्र ने भाई एडीबी से पैसा आएगा, कहां से आएगा, ये इन्होंने एड्रेस किया है। अब रही बात आपके इसकी दूसरे मुद्दों की, जैसे प्रॉब्लम्स की, तो जनता की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बड़े शहरों में, खास करके जयपुर में, नहीं जो नगर निगम, हमने दो नगर निगम जयपुर में इसलिए किए कि परकोटे की समस्या अलग है, बाहर की अलग है। जो कॉलोनीज सोसाइटियों के साथ बसी हैं या पुराने जागीरदारी टाइम से हैं, स्टेट ग्रांट के पट्टों, तो पट्टे नहीं है। और नगर निगम में हम सब जानते हैं किसी की भी सरकार बहुत मुश्किल काम होता है, पट्टे निकलाना, काम कराना, तो वो उसको अलग एड्रेस किया है। डिफरेंस जो है उसका है इकोनॉमी कैसे सुधरेगी नगर निगमों की, नगर निकायों की। जब तक इकोनॉमी नहीं सुधरेगी, जब तक वो डेवलपमेंट क्या करेंगे, आश्रित रहेंगे सरकार पे, राज्य सरकारें तो खुद ही जीएसटी के बाद केंद्र पे काफी हद तक आश्रित हो गई हैं। अब पहले म्युनिसिपैलिटियों के पास चुंगी लगाना, कई प्रकार के टैक्स लगाना होते थे, ले देकर के यूडी टैक्स हो गया, पहले हाउस टैक्स था, नाम बदल गया, सरकारें कोई कहती है माफ कर देंगे, कोई सरकार ले आती है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, क्रिटिसिज्म में किसी का करता नहीं, सब कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे काम करने की, वो आदत हमारी है नहीं क्रिटिसाइज करने की। लेकिन जब तक कि इकोनॉमिक जो है पोजीशन नगर निकाय की सही नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, वो डेवलपमेंट करेगा क्या अपनी तरफ से? अब जब तक, अब जैसे कांग्रेस के घोषणा पत्र में आए एडीबी से लोन आएगा, ये आएगा, तो जब तक इकोनॉमी नहीं सुधरेगी, मेरा स्ट्रेस कल भी यही था, इकोनॉमी निकाय की सुधरेगी, या तो जनता से टैक्स लोगे आप, तो भारी भरकम टैक्स लोगे तो उससे जनता नाराज होगी, क्योंकि सबके तो काम है नहीं, कॉमर्शियल बिल्डिंग से आप ज्यादा ले सकते हो, जो रेजिडेंशियल है उनसे ज्यादा कैसे लोगे आप, वो चीज देखने की बात है। इकोनॉमिक एड्रेस जो कांग्रेस ने किया है, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र की सबसे बढ़िया बात, इकोनॉमी कैसे निकायों की सुधारी जाएगी। बाकी तो ये मुद्दे जो हैं वो देखिए, बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में, चाहे वो कचरा संग्रहण का मसला हो, साफ सफाई का मसला हो, और आपने मेंटेनेंस की बात की, तमाम मुद्दे बीजेपी के भी घोषणा पत्र में हैं, वो लगभग मुझे लगे कि बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो आपका कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरी पार्टी इकोनॉमिक एड्रेस को लेकर के एक जो है वो आपने विजन पेश किया कि कहां से कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बताया गया कि कैसे फंड आएगा और उसके बाद डेवलपमेंट होगा, यही ना? हेमंत जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी तो जनता की जो निकाय लेवल पे जो समस्याएं होती हैं वो यही होती हैं तीन तरह की, लेकिन इसको आप पूर्ति कैसे करोगे, उसका कैसे जनता को सेटिस्फाई करोगे, कैसे विकास करोगे, तो इकोनॉमिक एड्रेस होना चाहिए भाई, पैसे रेवेन्यू कहां से आएगा। आज देश का इतना बुरा हाल हो गया नोटबंदी और जीएसटी के बाद में कि व्यापार नहीं, व्यापार से तो पैसा आता है, तो व्यापार ही नहीं होगा। आचार्य चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र को ही लिखा इसीलिए कि भाई राजनीति और सामाजिक स्थिति उस देश की स्ट्रांग होती है, उस राज्य की स्ट्रांग होगी जिसका अर्थशास्त्र स्ट्रांग होगा, तो इन्होंने अर्थशास्त्र पे ही चोट मार दी। तो अर्थ कहां से आएगा, इकोनॉमी में पैसा कहां से आएगा, जब ही तो निकाय सुधार करेंगे, जब पैसा ही नहीं होगा तो नगर निगम या नगर निकाय डेवलपमेंट क्या करेंगे, जनता पे टैक्स का बोझ डालेंगे, तो जनता पे टैक्स का बोझ डालते ही तो जनता चिल्लाने लग जाएगी, क्यों, सबके पास वैसे व्यापार खत्म हो गया,
वो बहुत जरूरी था, तो इसलिए मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस का होने के कारण नहीं, कांग्रेस ने इकोनॉमिक एड्रेस किया इसलिए स्वागत करता हूं। और जनरल समस्याएं मेंटेनेंस की, डेवलपमेंट की, तो सारी पार्टियां लिखती हैं, तो वो तो करना ही होता है, उनका फर्ज है, जनता चुन रही है उनको, तो प्रतिनिधि का फर्ज है मेरे इलाके में रोड बनवाएगा, उसकी मेंटेनेंस करेगा, खड्डे सही करेगा, लाइट सही कराएगा। लेकिन पुरोहित साहब, एक और इसके अंदर आपने पॉइंट डाला कि बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, ये बड़े शहर कौन से हैं, और क्या जयपुर में, जयपुर से बड़ा कोई शहर है? अगर अब तक जयपुर में भी होना चाहिए था पहले से ही लगातार इलेक्ट्रिक बसें, अभी तक तो कोई हमें देखने को मिलती नहीं है। देखिए, सामयिक परिस्थिति के अनुसार कोई भी सरकार है, नई बात लाती है, जनता को ज्यादा से ज्यादा उसमें सुविधा प्राप्त हो। इलेक्ट्रिक बसेस की परिवहन जो समस्या अपने जो आई है, मेट्रो से पूरी सॉल्व नहीं हुई, मेट्रो खर्चालू बहुत है डेवलप कर बनाने के लिए, तो इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी। अभी पोल्यूशन की कितनी बड़ी समस्या, दिल्ली में पोल्यूशन, जयपुर में पोल्यूशन हो गया, अपन लोगों को कितनी प्रॉब्लम हुई, तो इलेक्ट्रिक बसेस लाना भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो फ्यूचर विजन के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। शुरू में कम आएंगी, थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी तो अपने को उसका प्रॉफिट होगा। तो ये चीजें मैंने आपको कहा ना, थोड़ा सा विकास की तरफ और मॉडर्न विजन जो आया है, मॉडर्न विजनरी डॉक्यूमेंट है ये जी। बाकी जनरल चीजें तो सभी पार्टी, ये बीजेपी कांग्रेस भी यही लाती है, कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिक पे जो एड्रेस, और पहले बीजेपी ने चूंकि दृष्टि पत्र के नाम से घोषणा पत्र निकाला, मैंने तो हालांकि नहीं देखा, लेकिन हो सकता है, मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जहां तक मेरी जानकारी है, पहला मौका जब निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने और बीजेपी ने अपना अपना घोषणा पत्र दिया जनता के सामने। ये जो बातें पुरोहित साहब ने कही हैं, क्या बीजेपी जो है वो इकोनॉमिक एड्रेस नहीं कर पाई अपने घोषणा पत्र में? आखिर कहां आपको लगता है कि कैसे बेहतर है कांग्रेस का घोषणा पत्र जो इन्होंने कहा? हेमंत भाई, देखो सबसे बड़ी बात कि इन्होंने क्या कहा कि साहब हमारा जो घोषणा पत्र कहा इन्होंने कि घोषणा पत्र है जिसमें सब कुछ समावेश ही किया है। आप ये देखिए कि जब विधानसभा के चुनाव हुए तब इन्होंने क्या लंबे लंबे वादे किए किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, और उनको भत्ता देंगे, नौकरियां देंगे। और भामाशाह का इन्होंने क्या किया, 4% वेट लगाया इन्होंने, टोल टैक्स इन्होंने बंद किया, बिजली वाले देखिए आप क्या किए इन्होंने, जो आपने बिजली दी उसको बंद कर दिया, और किस प्रकार से कांग्रेस का जो हो रहा वर्तमान में आप देखिए। तो ये घोषणा पत्र जो इन्होंने नवंबर में जारी किया गया था, वैसा ही घोषणा पत्र जनता को छल करने के लिए यहां जारी किया गया है। ये जो आपने विजन दिया है कि कहा कि साहब हम एक इसमें रेवेन्यू जनरेट करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इन्होंने क्या लिखा है, राज्य में एशियन विकास बैंक के वित्तीय सहयोग से आगामी 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। मतलब आप ऋण लोगे, ऋण लेकर के आप इसका शहरी वो आप विकास करोगे, इसका वादा किया है, न कि कोई वित्तीय से संबंधित कुछ भी नहीं है, मेरे पास इसकी कॉपी पड़ी है कि सब इसमें समावेशी हम लेके आए हैं, ये इनका समावेशी है। एक तो ये, दूसरा ये बात आती है कि कोई भी हमारा चाहे जस्टीकरण हो, चाहे इनका मैनिफेस्टो बोलो या जन घोषणा पत्र बोलो, हमने जो जन घोषणा पत्र दिया, जो मूलभूत जो आवश्यकताएं जो शहरी करण की होती है, और जो क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में नगर पालिकाएं हो, चाहे आपके यूआईटी के क्षेत्र हो, चाहे नगर निगम के क्षेत्र हो, जिनको सम्मिलित पहले से किया गया है, उसमें किस प्रकार से हम विकास कर सकते हैं। और इन्होंने क्या जोड़ा, भू रूपांतरण प्रक्रिया को सरलीकरण हम करेंगे, पट्टे जारी करेंगे। तो मतलब 5 साल से कोई पट्टे जारी करने नहीं जा रहे थे, हमने बताया कि इतने इतने पट्टे, हमने 5 साल के अंदर पट्टे जारी किए गए। तो आप एक इस प्रकार का एक घोषणा पत्र तो ले, कोई बात नहीं, अच्छा घोषणा पत्र हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपने नवंबर 2018 के अंदर विधानसभा में जो वादे किए थे, उन वादों को क्या हुआ, जनता कैसे विश्वास करेगी, क्या इसका विश्वास आप दिलाने की कोशिश करेंगे? तो सबसे अच्छा काम होगा कि आप घोषणा पत्र के साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि हमने 11 माह के अंदर ये काम किए हैं, तो नगर निकाय के चुनाव में भी हम ये काम करेंगे। लेकिन इस प्रकार का कोई आपने प्रेस ब्रीफिंग में नहीं दिया है, सिर्फ एक एक घोषणा दिया है। तो ये जनता जो दे है वो इन चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को देख रही है कि किस प्रकार से ये छलने का काम कर रहे हैं, और एक लोक लुभावना जो एक लेके आए हैं। कोई बात नहीं, कुछ बिंदु हो सकते हैं, वो सर बिंदु हमने भी लेके आए हैं, लेकिन ऐसे बिंदु लेके आए हैं जो बिंदु आपके जैसे जैसे आपकी टॉयलेट की व्यवस्था है, आपके सीवरेज की व्यवस्था है, और आपके सामुदायिक भवन की व्यवस्था है, तो इन प्रकार की व्यवस्था का मुख्य मुख्य क्या कार्य हो सकता है निकाय चुनाव के बाद में, उन चीजों को हमने छूने की कोशिश करी। लेकिन शेखावत साहब, मेरा एक सवाल आपसे, शेखावत साहब, जहां जहां अभी सूबे में आपके बोर्ड बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के,
तो क्या वहां वहां आपने जो तमाम घोषणाएं अपने घोषणा पत्र में दृष्टि पत्र में कही हैं वो सारी बातें हो गई हैं वहां पर? पिछले पांच साल से आपके बोर्ड है वहां पर सारी चीजें हो चुकी हैं जो आपने अभी घोषणाएं की है नए बोर्ड वालों के लिए? देखो आज सतत प्रक्रिया होती है, क्योंकि सतत प्रक्रिया की बात कर रहा हूं सर, सरकार थी और लोकल बॉडीज जो डीएलबी संस्था हम अगर डीएलबी के माध्यम से डायरेक्टर लोकल बॉडीज के माध्यम से जितना भी फंड जाता है और उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है वो एक बॉडी होती है, उन बॉडी के द्वारा आप ये देखिए कि यदि किसी प्रकार का कार्य यदि सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के थ्रू आपको यदि पैसा भेजा गया है उसका डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ वो उसमें आप देखिए वर्तमान के अंदर जहां तक बीजेपी का बोर्ड था सब बोर्ड में किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से आप देखिए जैसे ही सत्ता में आए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष किया, पर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष किया बोर्ड को। आज आपने शेखर साहब वो कर्नल सोनाराम का बयान आपने शायद सुना नहीं, कर्नल सोनाराम का बयान बाड़मेर में सुना नहीं, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के पार्षदों के भरोसे अगर ये चुनाव हो तो जनता वोट नहीं देंगी, मोदी को ध्यान में रखते हुए हम वोट बना सकते हैं, तो क्यों वहां पर विकास के काम नहीं हुए? देखो कि जिस प्रकार से आप देखिए सेंटर का ही फंड आता है वो ठीक है, नहीं सेंटर का ही फंड आता है, सेंटर के फंड में आपकी कई कई योजनाएं उनके थ्रू चलती है और उनके उनके द्वारा चलती है, तो एक केंद्र सरकार के द्वारा जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो उनके भी एक उन्होंने एक संदर्भ में कहा है कि ये योजनाओं का इनका पैसा यहाँ आता है, तो वो संदर्भ कौन सा जब वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जो पार्षद हैं उनके भरोसे तो वोट नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, साफ साफ कहा उन्होंने, वो मोदी जी वाला संदर्भ ठीक है लेकिन स्थानीय स्तर पर देखिए शेखावत साहब, स्थानीय स्तर पर भी लोगों की अपनी समस्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी के पार्षद ही काम नहीं कर रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है उसमें सभी पार्टियां शामिल है, देखिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को देख रही है तो सभी को पार्टियों को देखती होती है सवाल भी सभी पार्टियों से, लेकिन पुरोहित साहब जो सवाल शेखावत जी उठा रहे हैं कि आपने जिस तरह से और पहला सवाल तो यही बीजेपी की ओर से कहा गया और ये सच्चाई भी है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई ये सुखबुगाट थी नहीं इस तरह की कि घोषणा पत्र लाएंगे निकाय चुनाव में और पहले हमने देखा भी नहीं, पहली बार दफा होगा, अब शायद आपको ज्यादा पता है इस मामले में, आपने पहले देखा हो अगर निकाय चुनाव को लेकर के प्रदेश स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई घोषणा पत्र जारी किया हो तो पहले ऐसा था नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है, लेकिन बीजेपी कह रही जब उन्होंने दृष्टि पत्र जारी किया उसके बाद में कांग्रेस ने आनंद फानन में ये देखा कि हमारी तरफ से भी कुछ होना चाहिए तो इसलिए आनंद फानन में आपने कच्चा चिट्ठा जो है सामने लाके रख दिया, ये बीजेपी का कहना है। देखिए हेमंत जी आनंद फानन में कुछ नहीं किया है, ये चुनाव हो रहे हैं, आपने खुद ने कहा पहले नहीं होते थे सिंबल पे, पहले कई बार सिंबल पे नहीं होते थे, बीजेपी तो कराती थी बीच में, कांग्रेस सिंबल पे नहीं कराती थी, मैंने देखे हैं कई नगर निगम के चुनाव 1998 से जयपुर के, लेकिन पहले लेकिन कभी आपको याद है कि आप आनंद फानन में जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही है तो जारी किया हो पुरोहित साहब? नहीं नहीं पहले सिंबल पे लड़ते नहीं थे ना चुनाव, ये लोकल चुनाव सिंबल पे लड़ते नहीं थे हेमंत जी, मैंने आपको कल परसों भी डिबेट में कहा था कि मेरी खुद की निजी राय सिंबल पे लोकल चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी अब हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज गांव-गांव में घुसना चाहती है, शहरों में घुसना चाहती है, लेकिन क्या है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती है तो उनको अपना घोषणा पत्र कोई आनंद फानन में इनकी जैसे आरोप नहीं लगा था कांग्रेस ये वो कि सब पार्टियों को अपना घोषणा पत्र लाना होता है, एक विजन डॉक्यूमेंट लाना होता है भाई हम क्या करेंगे, तो सभी पार्टियां लाती हैं अपना, मुख्य प्रश्न ये है अब इन्होंने कहा विधानसभा है वो सब, अगर विधानसभा में जो थे तो फिर दोनों चुनाव में कांग्रेस के तरफ इतने क्यों वोट कन्वर्ट हो गए, ये चीज कोई प्रश्न की बात नहीं, क्रिटिसाइज करना इनको तो एक ही काम है और कोई बात नहीं है, मैंने इनके कभी भी इनके दृष्टि पत्र पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया, मैंने स्ट्रेस ये दिया कि रेवेन्यू, अरे भाई मैं बीच में नहीं बोला ना आपके, नहीं आप क्यों बोल रहे हो बीच में भाई, आप क्यों बोल रहे हो बीच में, आप क्या सीख के आते हो बीजेपी ऑफिस से बीच में, मैं तो नहीं बोला आपके बीच में, क्यों बोल रहे हो आप बीच बीच में, आपकी पार्टी पे आरोप नहीं लगा तो भी बोल रहे हो आप, शेखाव साहब आपका बोलने का वक्त दूंगा मैं, शेखाव साहब आपको देंगे बोलने का वक्त, ये सीख के आते हो ये क्या बात कर रहे हैं जी, मैंने इनको बीच में नहीं टोका, सब इनकी बात बोली, अरे भैया खूब पदों पर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में, आप नहीं रहे होंगे इतने पदों पर रहूंगा, आपत्तियां वो ठीक है, दूसरे को टोकना, मैं आपने कांग्रेस पे आरोप लगाया एक बार नहीं बोला बीच में, आपस में व्यक्तिगत मैं आपके आरोप लगाया आपकी पार्टी पे, मैं तो आपके दृष्टि पत्र पे भी आरोप नहीं लगाया, नहीं नहीं
सुनिए सुनिए, क्या इस डिबेट के अंदर ये सिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आता है उसको मैं दबाऊंगा इस प्रकार? नहीं, दबा रहा हूं आपको, बोला है बीच में मैं आपके। सुनिए क्या बोला मैं आपके बीच में, आप जबरदस्ती बोले जा रहे हो बीच बीच में। शेखाव जी थोड़ा शांत, शेखाव जी हेमंत जी आप कंट्रोल किया कर रही है इनको, इन सबको देखिए आप प्लीज। पुरोहित साहब डिबेट का एक डेकोरम होता है, इन्होंने कांग्रेस के आरोप लगाए, मैं बोला एक बार भी वो ठीक है, वो ठीक है। शेखाव साहब एक मिनट थोड़ा सा, आप मतलब क्या शब्द बोले इन्होंने? मैं कह रहा हूँ शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, अगर इन्होंने कोई गलत शब्द बोले हैं तो गलत है। लेकिन लेकिन आप सुन लीजिए, आपका जब वक्त आए तो आप इनकी बातों का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? पुरोहित साहब मैं बीच में बोलता ही नहीं हूँ किसी के, चाहे आप कुछ भी क्रिटिसिज्म करो। मैंने आज शुरू से कहा मुझे क्रिटिसिज्म करना पसंद ही नहीं आता है दूसरे का, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड का आदमी हूँ और कांग्रेस के खूब पदों पर रहा हूँ 12 साल। गलत बातों का प्रतिकार होना चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो और इतना भी हमें एक दूसरे को लेकर क्रिटिसिज्म होना चाहिए पॉजिटिव वे में, वो ठीक है जी जी जी। नहीं मैं कोई व्यक्तिगत बात ही नहीं करता किसी का, ठीक, मैं व्यक्तिगत किसी पे आरोप नहीं लगाता, किसी को डिस्टर्ब करता हूँ। आप अपनी बात पूरी, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी है कोई आनंद फानन में नहीं लाती है, एक दिन लेट हो गए दूसरे दिन आ गए, ये सब पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाए उससे कोई मतलब नहीं है। जब सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हो तो आपको अपना विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने पेश करना ही पड़ेगा। जो असली बात है दोनों डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि बड़ी पार्टी दोनों है, इनको चाहे कैंडिडेट नहीं मिले हो, हनुमान बेनीवाल को इन्होंने छोड़ दिया, जो भी अलग बात है वो सब चीज, लेकिन असली बात यह है कि कांग्रेस के विजन डॉक्यूमेंट में फाइनेंसिस का, इकोनॉमिक मैनेजमेंट का उसमें पुट है, उसमें एड्रेस किया है उन्होंने। एशियन डेवलपमेंट बैंक से पूरे हिंदुस्तान ने जगह जगह लोन लिया हुआ है और भारत सरकार तो पूरी कितनी लाखों करोड़ रुपए लोन लिए मोदी जी सरकार में, देखिए नए लेकर के चल रहे हैं। ये अलग प्रश्न है पुरोहित साहब वो इसलिए कर रहे हैं सवाल क्योंकि अब आज देखिए जो स्थानीय निकाय उनकी हालत इकोनॉमिक स्तर पर बड़ी खराब होती जा रही, तो हमें इस बात को भी सोचने की जरूरत है कि नए तरीके से हम लोन के जहाँ से हम इनकम ला सकते हैं। और ये स्थानीय जो स्ट्रक्चर है जो फेडरल स्ट्रक्चर वो भी लगातार बना रहे, स्थानीय स्ट्रक्चर को हम मजबूत कैसे कर सके उस पर हम आते हैं उस पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, उसके बाद में आऊंगा तो इस पर हम भी बात करेंगे कि इकोनॉमिक तरीके से किस तरह से बढ़ाने को लेकर के जो आप बात कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का और दिखाते हैं इस वक्त की सुर्खियां।